गोल्ड ऑयल से बेशकीमती है आपका डेटा। हर 5 में से 1 भारतीय का डेटा लीक की कगार पर, कैसे करें सिक्योर। डॉट इंटरनेट की पहुंच पूरी दुनिया में हो चुकी है। अब ज्यादातर काम ऑनलाइन ही पूरे हो रहे हैं। ऐसे में अपराधियों के लिए बैंकिंग डिटेल, मेडिकल और सोशल जानकारी चुराना काफी आसान हो गया है। आजकल स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इन हाइलाइट्स, साइबर क्रिमिनल डेटा चोरी करके करते हैं सेल। इस डेटा में आपकी बैंकिंग, मेडिकल और सोशल जानकारी होती है। इस डेटा के जरिए होती है फिशिंग और साइबर ठगी। आने वाले दिनों में आपकी निजी जानकारी गोल्ड और ऑयल से भी महंगी बिकेगी, क्योंकि इस जानकारी में आपकी बैंकिंग, मेडिकल और सोशल जानकारी होगी। इस जानकारी के जरिए अपराधी आपके साथ ठगी कर सकते हैं। साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियां जान सकती हैं कि किस समय आपको कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, जिसके बाद वो कंपनी टारगेट मार्केटिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट आपको सेल कर सकती हैं। आपने कई बार न्यूज में डेटा चोरी की खबर देखी या पढ़ी होगी। आपको बता दें, साइबर क्रिमिनल इस डेटा के जरिए आपके साथ ठगी भी कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ हम आपके लिए अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए टिप्स लेकर आए हैं, जिसके जरिए आप अपनी बैंकिंग, मेडिकल और सोशल जानकारी को सुरक्षित करके ठगी से तो बच सकते हैं, साथ में टारगेट मार्केटिंग से भी अपना बचाव कर सकते हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट के मुताबिक, ज्यादातर लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट या बैंकिंग के लिए कमजोर पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लोग अक्सर अपने डेट ऑफ बर्थ या ऐसे पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें आसानी से ब्रीच किया जा सकता है। डेटा उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले कमजोर पासवर्ड के कारण ही होते हैं। ऐसे में अगर आप अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो एक मजबूत पासवर्ड बनाएं। साथ ही अपने पासवर्ड को किसी के साथ शेयर न करें। इसके अलावा अपना पासवर्ड को अपने डिवाइस, गूगल शीट और एक्सेल पर सेव करने से भी बचें। पुराने सॉफ्टवेयर का उपयोग न करें। पुराने सॉफ्टवेयर में अक्सर लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स नहीं मिलते हैं, इस कारण उसमें सिक्योरिटी ब्रीच करना आसान होता है। कई बार लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करने के कारण स्कैमर्स का शिकार बन जाते हैं। ऐसे में अपने डिवाइस को लेटेस्ट अपडेट के साथ अपग्रेड करें। हर अपडेट के साथ आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं। फिशिंग ईमेल ओपन करना। आजकल स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में वे कई बार फिशिंग ईमेल का सहारा लेते हैं। ईमेल मिलने पर लोग कई बार बिना सोच विचार किए ही फिशिंग ईमेल ओपन कर लेते हैं, या फिर मेल में आए रैनसमवेयर अटैचमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। फिशिंग ईमेल ओपन करना सबसे आम गलतियों में से एक है। यह स्कैमर्स को आपके डेटा तक एक्सेस देता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप किसी भी संदिग्ध ईमेल को ओपन न करें और मेल के साथ अटैचमेंट को डाउनलोड न करें। हो सके तो सतर्क रहे। धन्यवाद मित्रों।